नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप 10th कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इंजीनियरिंग कैसे करें। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो 10th कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दो तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और जो दूसरा होता है वो होता है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो सबसे पहले आपको ये चूज़ करना होगा कि आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं या फिर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो पहला होता है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए और इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स करना पड़ेगा जो कि कंप्यूटर साइंस से होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल तक का होता है और इसके लिए आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा और गुड मार्क्स के साथ गुड रैंक लाएंगे। और गुड रैंक और गुड मार्क्स आएगा तो इसके कारण आपको टॉप इंडियन गवर्नमेंटल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। मैं इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें आपको ना के बराबर फीस लगेंगे। और इसमें आप पढ़ाई करने के बाद आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाइएगा और उसके बाद आपको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हिसाब से आपको जॉब भी मिल जाएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद आपको कितनी सैलरी मिलेगी। तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 4,25,000 से लेकर के 13 लाख पर एनम तक का आपको सैलरी मिलने वाला है इस जॉब में। उसके बाद आपको ये चूज़ करना है कि आपको जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है या फिर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जितना भी कुछ था हमने आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद अब दूसरा है सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए 12th पास आउट होना पड़ेगा, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्ट्रीम से, तभी आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाएंगे। उसके बाद आपको इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसमें आपको काफ़ी कम फीस लगेगी। और अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए पॉलिटेक्निक का कोर्स भी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर आप 12th पास आउट नहीं है और अगर आप 10th से ही बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पॉलिटेक्निक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप समझ गए कि आपको 12th पास किसी भी हालत में करना पड़ेगा अगर आप सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप मेहनत कीजिएगा तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़रूर बन जाइएगा। और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक का कोर्स करना पड़ेगा। ये कोर्स का ड्यूरेशन कुल 4 साल तक का होता है और आपको इसके लिए 12 पास होना पड़ेगा जैसा कि पहले हमने आपको वीडियो में बताया है। और इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा और अगर आप 12th पास नहीं है तो आपको पॉलिटेक्निक का कोर्स कंप्लीट होना चाहिए जिससे आपको सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और इसके बाद आपको 3 साल का ही कोर्स करना पड़ेगा। और इसके बाद अगर इसकी सैलरी की बात करें तो 4,25,000 से लेकर के 35 लाख और फॉरेन में इससे भी ज़्यादा आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने पे सैलरी मिलेगी। तो ये हो गई सारी बातें। लेकिन अगर आपके फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो आप कौन सा इंजीनियर बनना प्रेफर करें तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका फैमिली का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं है तो मैं आपको यहीं प्रेफर करूँगा कि आप 10 के बाद पॉलिटेक्निक्स डिप्लोमा का कोर्स कंप्लीट कीजिए और जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पहले बनिए। और एक बार अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए तो आपको नौकरी मिल जाएगा। और आप नौकरी लेने के बाद जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब आप बन जाइएगा तो आपको नौकरी मिलेगा, उसमें आपको 4,25,000 से लेकर के मिनिमम 1 लाख तक के बीच में आपको सैलरी मिलेगा। और जब आपको इतनी सैलरी मिलेगी तो आप उससे अपने परिवार का खर्चा भी निकाल सकते हैं और फिर खुद से आप पढ़ भी सकते हैं। अगर हम सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करें तो 2 साल 12th का और 4 साल कोर्स का, तो इसमें 6 साल लगेंगे। और अगर आप जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं तो उसमें भी आपको 6 साल लगेंगे। अगर आप 3 साल तक बीच में नौकरी करते हैं और वहाँ से पैसा इकट्ठा करने के बाद अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से भी आपको 6 साल लगेगा, क्योंकि आपको 1 साल का कोर्स नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनिएगा तो उसके लिए आपको पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड इकोनॉमिक ख़राब है कंडीशन, तो हमने आपको बताया इस तरह से करके आप इंजीनियर बन सकते हैं। और इंजीनियर के लिए इंडिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जैसे IIT अहमदाबाद है, वहाँ से भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको ये
इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।